फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम तृतीय पाठ है, तीसरे पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, इसके एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपकी बुक में, उसमें तो सिर्फ आप उन शब्दों का उच्चारण करेंगे। उच्चारण का मतलब बोलना, उनको कैसे बोलना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि जो भी ये शब्द दे रखे हैं, इनमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग पदों को अलग अलग करना है। हमें इनको अलग अलग छांटना है कि कौन से शब्द पुल्लिंग में आते हैं और कौन से स्त्रीलिंग के हैं। तो आप देखिए, आपको बताया था हरिण, अब हरिणय, हरिणौ, हरिणः, तो ये बहुवचन आ रहा है हरिण का, तो ये तो क्या है, पुल्लिंग। तो जो जो पुल्लिंग है उन पर मैं टिक कर देती हूँ, बाकी जो रह जाएंगे वो स्त्रीलिंग के हो जाएंगे। तो हरिणय, हरिण का मतलब हिरण। अब ये बाले है, ये क्या है, बाला, बाली, ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। सरिता, ये स्त्रीलिंग है। धावक, धावक का मतलब होता है दौड़ना, दौड़ने वाला, धावक। धावक, धावकौ, धावका, तो ये बहुवचन का है, ये पुल्लिंग है। फिर बालौ, रूप चलता है हमारा बालय, बालौ, तो ये लड़के के लिए आ रहा है। और बाला, बाले, बाला, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो ये पुल्लिंग है, बालौ। फिर गज है, गज का मतलब क्या होता है, हाथी, तो गज ए वचन, ये भी पुल्लिंग है। रोटी के, रोटी क्या होती है, स्त्रीलिंग में आता है, रोटी का, रोटी के, तो ये द्विवचन आ रहा है, रोटी के स्त्रीलिंग में। श्रृगालः, श्रृगालय, श्रृगालौ, श्रृगालः, तो ये श्रृगाल, ये भी पुल्लिंग है। अश्व, अश्व क्या होता है, घोड़ा, अश्व, अश्व, अश्वः, तो ये घोड़े का बहुवचन है, ये भी पुल्लिंग है। कलिका, कली, कली क्या होती है, जो फूल की कली होती है, ये स्त्रीलिंग में आता है। धावक, अभी आपको बताया था, ये तो था बहुवचन, ये है इसका एक वचन। ता, सा, ते, ता, ये स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का बहुवचन है। से, से मतलब होता है वह, ये पुल्लिंग शब्द है। मक्षिका, मक्षिका, मुक्खी, मक्षिका का मतलब होता है मक्खी, ये स्त्रीलिंग में है। सा, ये स्त्रीलिंग है। एसा, एतौ, एता, एसा, एते, एता, तो एसा, एतौ, एता, एसा, एते, एता, तो ये एसा, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग में कौन कौन से हो जाएंगे, हरिणा, धावका, बालौ, गज है, श्रृगालः, अश्वः, धावक, स, ठीक है। तो आप जब अपने नोटबुक में इसको लिखेंगे, इस एक्सरसाइज को, तो आप दो कॉलम बना लेंगे, एक पुल्लिंग पद हो जाएंगे, एक स्त्रीलिंग हो जाएंगे। फिर इनमें से देखकर आप उनको अलग अलग लिख देंगे, तो जो पुल्लिंग के मैंने टिक लगाए दिए हैं वो सभी पुल्लिंग में लिख देना, बाकी जैसे बाले, सरिता, रोटी के, कलिका, ता, मक्षिका, सा, ऐसा, ये सब स्त्रीलिंग में लिख देंगे, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये हमें क्या करना है, प्रश्नान उत्तरत, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसा आपने पहले वीडियो में पढ़ा है, पाठ का जो मैंने हिंदी अनुवाद करवाया था, उसी बेस पर ये क्वेश्चन है, तो समझिए। सा का अस्ति, सा किसके लिए आया है, स्त्रीलिंग के लिए आया है। वह कौन है, सा वर्तिका अस्ति, अवर्तिका का क्या मतलब होता है, ये अंडरलाइन जो कर रखी है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करनी है। तो वर्तिका का मतलब होता है बतख, क्या होता है, बतख, ये पिक्चर में आपको दिख जाएगी, जब आपको भेजूंगी मैं ये उसमें। तो सा वर्तिका अस्ति, वह बतख है। सा किं करोति, अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह क्या करती है। सा तरती, अब इसमें त्री, तर धातु कौन सी है, तर धातु है, तर से तैरना बनता है। बतख है वो क्या कर रही है, वह तैर रही है। धातु क्या होती है, पहले भी बताया था, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पठ, पठ का मतलब होता है पढ़ना, तो तर, तर का मतलब है तैरना। सा तरती, वह तैर रही है। ता का संति, अब ये क्या है, अब बहुवचन के लिए आ रहा है, ये अस्ति एक वचन के लिए है, स्ते द्विवचन के लिए आता है, और संति बहुवचन के लिए। तो ता का संति, इसमें क्या हो जाएगा, वो सब, वे सब कौन हैं, ता गायिका संति, वो क्या है, गायिका है, गायिका गाने वाली, गायिका है,
वे सब गायिकाएं हैं। ता किं कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। तो यहाँ गाय, गई धातु, गए का मतलब गाना। अब जो गाने वाली हैं वो क्या कर रही हैं, वे सब गा रही हैं, गायंती। तो यहाँ गई धातु, गाय, गाय का मतलब गाना। वे सब क्या कर रही हैं, वे सब गा रही हैं, गीत गा रही हैं। अब यहाँ देखो ते के स्तः, अभी मैंने बताया था स्तः किसके लिए आता है, द्विवचन के लिए, और ते सा ते स्त्रीलिंग का द्विवचन आ गया। ते के स्तः, वे दोनों कौन हैं। ते धावी के स्तः, धावक का मतलब दौड़ना, दौड़ने वाला। तो वे दोनों क्या हैं, धाविकाएं हैं। ते किम कुरुते, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते धावते, वे दोनों दौड़ रही हैं। धातु रूप चलता है धावती, धावते, धावंती। तो दो के लिए धावते आ रहे हैं। वो दोनों क्या कर रही हैं, वे दोनों दौड़ रही हैं। फिर है ऐसा का, यह कौन है। ऐसा नृतिका, नृतिका मतलब नाचने वाली। यह कौन है, नृतिका नाचने वाली है। किम ऐसा नृत्यति, क्या यह नाच रही है। तो हाँ के लिए मैंने क्या बताया था आपको पहले, आम, आम का मतलब होता है हाँ, ने का मतलब नहीं। आम ऐसा नृत्यति, हाँ यह नाच रही है। ऐसे कह अस्ति, यह कौन है। ऐसे क्रीड़ते, यह कौन है, यह खेलने वाला है, क्रीड़क खिलाड़ी है। फिर क्या है, किम ऐसे लिखती, तो खिलाड़ी होगा वो क्या करेगा, लिखेगा या खेलेगा, खेलेगा। तो यहाँ पूछ रहा है किम ऐसे लिखती, लिख धातु, लिख का मतलब लिखना, क्या ये लिख रहा है। तो उत्तर क्या होगा इसका, नहीं, ऐसे नहीं लिखती, नहीं यह नहीं लिख रहा है। एता का संती, ये सब कौन है। एता बालिका संती, ये सब क्या है, बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं। एता किं कुर्वन्ती, ये सब क्या कर रही हैं। एता कूर्दन्ती, कूर्द का मतलब कूदना, जंप लगा रही है वो। तो ये सब कूद रही हैं। एते के, अब ये क्या आ गया, द्विवचन के लिए आ गया। ये दो कौन हैं, क्या हैं। एते चटके स्तः, चटका का मतलब क्या होता है था, चिड़िया। ये दो चिड़िया हैं। अभी प्रश्न पूछ रहा है किम एते उत्पत्ते, कि क्या ये उड़ रही है दोनों। तो आम, हाँ, एते उत्पत्ते, ये दोनों उड़ रही हैं।